उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 4 महीने का समय रह गया है, जिसने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है और सभी पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हैं और यूपी की सत्ता पर काबिज होने का सपना आंखों में लिए अपनी पूरी ताकत से तैयारियों में जुटी हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव नजदीक आते ही रफ्तार पकड़ ली है और योगी सरकार को शिकस्त देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर गई है। तो डालते हैं एक नजर कि आखिर क्या है समाजवादी पार्टी की रणनीति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में सपा ने यूपी में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए अपनी कमर कस ली है। सपा इस बार कुछ अलग प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रही है, जिसमें सपा की जनाक्रोश यात्रा और जनादेश यात्रा अहम मानी जा रही है। पहले जनाक्रोश यात्रा के जरिए जनता की परेशानियों को जानने की कोशिश करेगी, जिससे उसका मरहम ढूंढ सके। इसके अलावा पीलीभीत जिले से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जनादेश यात्रा का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज पूरे सितंबर महीने में यूपी के 23 जिलों में जनसंपर्क करेंगे। यात्रा के दौरान प्रदेश के तराई इलाकों के अलावा अवध, सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल के कुछ जिलों में भी पार्टी का अभियान चलाया जाएगा और यात्रा के दौरान बीजेपी की नीतियों के साथ प्रदेश में दलितों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। सपा की जनादेश यात्रा 1 सितंबर को पीलीभीत में शुरू होने के बाद 2 सितंबर को शाहजहांपुर पहुंचेगी। इसके बाद ये यात्रा 4 सितंबर को बहराइच श्रावस्ती, 5 सितंबर को बलरामपुर गोंडा, 8 सितंबर को सोनभद्र, 9 सितंबर को मिर्जापुर, 10 सितंबर को भद्रोही, 11 सितंबर को प्रयागराज, 12 को फतेहपुर और 13 सितंबर को प्रतापगढ़ पहुँचेगी। 15 सितंबर को जौनपुर, 16 सितंबर को वाराणसी, 17 सितंबर को गाजीपुर, 18 सितंबर को चंदौली, 21 सितंबर को लखीमपुर खीरी, 22 सितंबर को सीतापुर, 23 सितंबर को हरदोई, 24 सितंबर को उन्नाव, 26 सितंबर को रायबरेली, 27 सितंबर को अमेठी होते हुए 28 सितंबर को सुल्तानपुर में यात्रा का समापन किया जाएगा। इसके साथ ही सपा 2 सितंबर से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ के नारे के साथ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकालेगी। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। अब सपा की ये कोशिशें जनता को कितना लुभा पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।